नमस्ते ऑल। पिछले वीडियो में हमने सस्टेनेबिलिटी, ESG और BRSR का क्या लिंकेज है ये हमने देखा। इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस जो ESG है वो इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, तो इंडिया में इसका इवॉल्वमेंट कैसे हुआ ओवर द लास्ट डिकेड ये हम देखेंगे। वेलकम टू सस्टेनेबिलिटी सिंपली पुट, वेयर वी सिंप्लीफाई ऑल द सस्टेनेबिलिटी टॉपिक्स। तो आज का जो डिस्कशन है इसका रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, डेलॉइट का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, ESG प्रिपेयर्डनेस सर्वे रिपोर्ट मई 2023 में। इस रिपोर्ट से मोस्ट ऑफ दी जो आज का डिस्कशन रहेगा वो मैंने वहाँ से लिया है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गो ओवर देयर। आई ऑल्सो शॉर्टली शो यू द रिपोर्ट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज डेलॉइट रिपोर्ट ऑन ESG प्रिपेयर्डनेस सर्वे इन इंडिया। So how it evolved in India as you can see on the screen. So let's dive into it. देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या दिया गया है और इंडिया में ESG कैसे डेवलप हुआ। So बात करते हैं कि CSR guidelines. So पहले ESG के पहले CSR guidelines इंडिया में आए in year 2009. The corporate social responsibility CSR voluntary guidelines were introduced by Ministry of Corporate Affairs. तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आपको हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाई है। तो दीज आर द कीवर्ड्स, जैसे कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी वॉलंटरी गाइडलाइंस मतलब ये कंपलसरी नहीं है, जिसको भी करना है वो करे। दिस वेर इंट्रोड्यूस बाय MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और ऑल द बिजनेसेस सारे बिजनेसेस को MCA के गाइडलाइंस फॉलो करना मैंडेटरी है, अदरवाइज उनकी जो कंपनी है वो बंद कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वॉलंटरी गाइडलाइंस 2009 में आए। These guidelines were formulated to encourage companies to voluntarily contribute to society beyond their financial performance and promote sustainable development. तो वो खुद से आगे आए और सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो ये एक थॉट 2009 में आया। These guidelines provide a framework for companies to plan, implement and report their CSR activities. तो 2009 से शुरुआत हुई। Then 2011 में MCA developed the National Voluntary Guidelines to provide a framework for companies to incorporate principles of sustainability and responsible business practices into their operations. तो अभी तक 2011 में भी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे कहीं पे compulsory नहीं है, these are the voluntary guidelines. ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया था कि सारे companies जो है उनको encourage करा जाए कि वो best practices adopt करें, जैसे कि लेबर स्टैंडर्ड्स हो या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो या कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो या ह्यूमन राइट्स हो। तो इन सारी चीज़ों में जो कोई भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल कर सके, तो ऐसे सबको बढ़ावा देना, यहाँ तक थॉट प्रोसेस था। थर्ड स्टेप में सेबी, जिसको कहा जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने मैंडेट किया, दैट्स कंपल्सरी, मैंडेट मतलब कंपल्सरी, द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट BRR फॉर द टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन टू रिपोर्ट BRR, दैट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट फ्रॉम द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2012-13 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये कंपल्सरी, जहाँ पे मैंडेट आता है वहां पे कंपल्सरी आ जाता है। तो BRR वॉज अ पार्ट ऑफ सेबीज एफर्ट टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग एंड एनकरेज कंपनीज टू अडॉप्ट सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो 2012 के पहले सिर्फ फाइनेंशियली रिपोर्टिंग होती थी कि इनका कितना टर्नओवर है, इतना इनका कितना नेट प्रॉफिट हुआ, बट इसे हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को या बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट है। तो 2012 से ये कंपल्सरी हुआ और आगे जाके ये 100 से 500, 500 से 1000 कंपनीज के लिए कंपलसरी हुआ। कैसे? BRR डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वाज एक्सटेंडेड टू टॉप 500 इन द ईयर 2015-16 एंड टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज फ्रॉम 2019-20। सो 2020 के बाद में जो टॉप के 1000 लिस्टेड कंपनीज है उन सबको ये रिपोर्ट कंपलसरी होगा। और 2014 में और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें आती है एंड हम इंडिया से है, वी शुड बी प्राउड अबाउट इट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे CSR भी कहा जाता है, ये CSR कंपलसरी हुआ और इंडिया इज फर्स्ट कंट्री टू डू इट ऑन अ कंपलसरी बेसिस। तो सारे प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है
जिनके उन्होंने यहाँ पे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 135 है जो इसको डिटेल्ड आउट करता है कि क्या एग्जैक्टली इसके टर्म्स रहेंगे, कैसे उनको करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, कहाँ पे वो स्पेंड होना चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल्स में दिए गए हैं। तो ये किसी और वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे, बट फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से ज्यादा है, या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अगर ज्यादा होता है किसी भी साल में, तो उनको एटलीस्ट 2% ऑफ उनका जो नेट प्रॉफिट है उसका 2% उनको स्पेंड करना होगा सोशल एक्टिविटीज के लिए। और ये कैलकुलेशन प्रीवियस 3 साल के नेट प्रॉफिट के एवरेज करके आएगी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2024 की बात करते हैं, तो 2023, 22, 21 इन 3 सालों का जो भी एवरेज नेट प्रॉफिट रहेगा उसका 2% उस कंपनी को सोशल कॉज के लिए स्पेंड करना पड़ेगा। दे कैन नॉट स्पेंड बाय देमसेल्व्स, ठीक है? तो ये कंपलसरी हुआ सारे कंपनीज के लिए। तो यहां से एक कंसर्न आता है कि सिर्फ फाइनेंशियली कंपनी का परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है, बट सोशली भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उस कंपनी को देखनी होगी, या उस कंपनी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। इसके बाद में पांचवा स्टेप आता है इन 2017, जब सेबी इश्यूड अ रिकमेंडेशन दैट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मे बी अडॉप्टेड बाय टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज ऑन वॉलंटरी बेसिस फ्रॉम 2017-18। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि दिस इज मे बी अडॉप्टेड एंड वॉलंटरी बेसिस। तो यहाँ पे यह है कि सोच रहे हैं कि मे बी हम इसको लेके आएंगे आफ्टर BRR। बट उसके बाद में इन 2018 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पब्लिश्ड गाइडलाइन डॉक्यूमेंट ऑन एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस डिस्क्लोजर फॉर लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। सो ये मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, विल ओपन दिस डॉक्यूमेंट और मैं जस्ट आपको स्किम यहाँ से करा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या इसमें है। बाकी इस इन सारे रिपोर्ट्स की लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, सो दैट यू कैन चेक बाय योरसेल्फ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन ESG डिस्क्लोजर्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें BSE एंड सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ESG रिपोर्टिंग, ESG की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, गाइडेंस डॉक्यूमेंट को इसको कैसे यूज करें, हाउ टू रिपोर्ट ESG इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें इसमें अलॉन्ग विथ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दिए गए हैं। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ, ठीक है? सो दिस रिपोर्ट यू विल गेट इट इन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन डिस्क्लोजर ऑफ ESG रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट एंड अदर पब्लिक डिस्क्लोजर्स बाय लिस्टेड कंपनीज। तो इसके आगे सेवेंथ स्टेप में, इन 2019 MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंट्रोड्यूस नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कॉन्डक्ट NGRBC, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट बाय इंडियन कंपनीज इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज एंड एनकरेज कंपनीज टू गो बियॉन्ड लीगल कंप्लायंस एंड वॉलंटरीली अडॉप्ट सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि वॉलंटरी यहाँ पे है, मतलब ये सिर्फ गाइडलाइंस हम आपको दे रहे हैं, बाकी आपको इसमें जैसा ठीक लगे आप इसको इंप्लीमेंट करें। बट इन अगेन इन 2019 सेबी एक्सटेंडेड दिस BRR रिपोर्टिंग टू टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज दैट वी हैव सीन। नाउ नेक्स्ट, इन 2020 MCA रिकमेंड्स बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग दैट इज BRSR फ्रेमवर्क फॉर लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज। तो यहाँ पे BRSR आ जाता है। तो BRSR का भी जो डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, यहाँ पे एनेक्सर में आपको BRSR रिपोर्टिंग फॉर्मेट का दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या डिटेल्स कंपनी को पब्लिश करनी पड़ेगी, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है? तो उनके कहाँ कहाँ पे प्लांट है, क्या क्या ऑपरेशन उनके होते हैं, कहाँ से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, एम्प्लॉयज की डिटेल, कितना वहाँ पे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है, वुमेन पार्टिसिपेशन कितना है, तो ये सारी डिटेल्स आप इस BRSR रिपोर्ट फॉर्मेट में देख सकते हो।
तो इसके आगे हम बढ़ते हैं नाइन्थ स्टेप में। इन 2021 सेबी इशूड मैंडेट फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन टू मैंडेटरीली रिपोर्ट BRSR फ्रॉम द ईयर 2022-23। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप देख सकते हो, मैंडेट व्हिच इज कंपल्सरी एंड मैंडेटरीली रिपोर्ट दी BRSR। सो यहाँ पे कंपल्सरीली उनको रिपोर्ट करना है। देन लास्ट स्टेप, टेंथ स्टेप, इन मार्च 2023 सेबी इशूड मैंडेट फॉर टॉप 150 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन टू प्रिपेयर डिस्क्लोजर एंड रीजनेबल एश्योरेंस ऑन BRSR कोर KPIs फ्रॉम 2023-24। सो इस साल से 150 जो टॉप कंपनी है उनको रीजनेबल एश्योरेंस भी प्रोवाइड करना होगा BRSR कोर के कोर में जो दिया गया है। तो इसमें उन्होंने इंडिकेट किया कि BRSR कोर डिस्क्लोजर्स टू बी एक्सटेंडेड टू सप्लाई चेन ऑफ लिस्टेड कंपनीज ऑन कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे कंपलसरी करना ही है। अगर आप नहीं करते हो तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई यू कुडंट डू इट एंड इफ नॉट यू विल हैव टू फेस द पेनल्टी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये स्टार्ट हम कर रहे हैं 250 लिस्टेड कंपनीज से बाय 2024-25 एंड एश्योरेंस फ्रॉम 2025-26। और इसके आगे भी ESG रेटिंग को लेके, ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स को लेके कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इंडिया में हुई है। ये सारे डेवलपमेंट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम देखेंगे कि BRSR रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है तो उसमें क्या क्या डिटेल्स है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और BRSR को हम कैसे लिंक कर सकते हो, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।